अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट, होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अनदर पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर डोगरा रूल। सो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट सोसाइटी, इकॉनमी एंड कल्चर अंडर डोगरास। अगर हम रणबीर सिंह की बात करें, he was a well versed Persian scholar and he was very much interested in spreading religious education in Jammu and Kashmir. To iske liye inhone, that is why he ordered to make Persian, Arabic and Sanskrit institutions in Jammu and Kashmir. He made Raghunath Pathshala temple in जम्मू। ही आल्सो मेड महाविद्यालय लाइब्रेरी। महाविद्यालय लाइब्रेरी इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द पर्पज ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन। एंड इट वॉज During the period of Ranbir Singh that first printing press was made in Jammu and Kashmir with the name of Ranbir Press, very important, with the name of Ranbir Press was made in 1882. It was during the time of Ranbir Singh that first printing press with the name of Ranbir Press in 1882 was made. Ranbir Singh wanted education for all. He wanted education for all without any caste, color, creed, property, etc. Okay. Ranbir Singh wanted education for all without any कास्ट, कलर, क्रीड, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। आफ्टर रणबीर सिंह, इसके बाद रणबीर सिंह के बाद हम बात करेंगे प्रताप सिंह की रिगार्डिंग सोसाइटी, इकॉनमी एंड कल्चर। प्रताप सिंह ट्राइड टू ब्रिंग वेस्टर्न एजुकेशन। प्रताप सिंह ट्राइड टू ब्रिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ही मेड अ स्कूल नेमली रणबीर हाई स्कूल। ही मेड ए स्कूल नेमली रणबीर हाई स्कूल ऑन वेस्टर्न एजुकेशन। ही मेड रणबीर हाई स्कूल इन 1885। इसके बाद श्री प्रताप कॉलेज इन श्रीनगर वॉज मेड इन 1905। ओके। प्रताप सिंह ट्राइड टू ब्रिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ही मेड ए स्कूल रणबीर हाई स्कूल ऑन वेस्टर्न एजुकेशन इन 1885। इसके बाद इन्होंने श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर में बनाया इन 1905। After that, what happened? Prince Wales visited Jammu and Kashmir. तो इन्होंने दौरा किया जम्मू एंड कश्मीर का, विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग प्रताप सिंह रिगन एंड ही मेड प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। तो इन्होंने एक कॉलेज बनाया जिसका नाम रखा प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज।
प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। नाउ और आज के दौर में इसका जो नाम है नाउ गांधी मेमोरियल कॉलेज, नाउ गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज। ओके, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रताप सिंह दैट प्रिंस वेल्स विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस प्रताप सिंह प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज नाउ गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन जम्मू, इन जम्मू। इसके बाद प्रताप सिंह ने एक और कॉलेज बनाया, प्रताप सिंह, आफ्टर दैट प्रताप सिंह मेड अमर सिंह टेक्निकल कॉलेज, अमर सिंह जो श्रीनगर में है, अमर सिंह टेक्निकल कॉलेज, अमर सिंह टेक्निकल कॉलेज, अमर सिंह टेक्निकल कॉलेज इन श्रीनगर इन 1923। ओके, इन 1923 प्रताप सिंह मेड अमर सिंह टेक्निकल कॉलेज इन श्रीनगर। लाइक अदर स्टेट्स, अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, फीमेल्स वेयर बैक अवे फ्रॉम एजुकेशन, तो जो औरतें थी उनको ज्यादा तालीम पे जोर नहीं दिया जाता था, फीमेल्स वेयर अवे फ्रॉम एजुकेशन, फॉर दिस एफर्ट्स वेयर मेड, फीमेल्स वेयर अवे फ्रॉम एजुकेशन। अगर हम बाकी स्टेट्स की तरह जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, फीमेल्स वेयर अवे फ्रॉम एजुकेशन, फीमेल्स वेयर बैक अवे फ्रॉम एजुकेशन, बैक अवे फ्रॉम एजुकेशन, फॉर दिस एफर्ट्स वेयर मेड। तो इसके लिए बहुत सारी कोशिश की गई, जस्ट लाइक गुरमत कन्या पाठशाला कॉलेज, गुरमत कन्या पाठशाला कॉलेज इन जम्मू वाज मेड फॉर फीमेल एजुकेशन, गुरमत कन्या पाठशाला कॉलेज इन जम्मू वाज मेड। तो अगर हम आज की बात करें, नाउ सो मेनी प्राइवेट स्कूल्स आल्सो प्रोवाइड एजुकेशन फॉर वुमेन्स, इन 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, इन 19th सेंचुरी देयर वर सम सोशल इवल्स लाइक सती इन जम्मू एंड कश्मीर, देयर वर सम सोशल इवल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, देयर वर सम सोशल इवल्स, सम सोशल इवल्स इन जम्मू एंड कश्मीर लाइक सती, विडो रिमैरिज, चाइल्ड मैरिज, लाइक सती, विडो रिमैरिज एंड चाइल्ड मैरिज, दीज वायर द सोशल इवल्स विच वायर प्रिविलेंट इन आवर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वुमेन्स वायर कंसिडर्ड इन्फीरियर, जो औरतें थे इनको इन्फीरियर समझते थे लोग, वुमेन्स वायर कंसिडर्ड इन्फीरियर, were considered inferior. And the cause of these evils, तो अगर हम evils के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, that was lack of education, and these practices were eliminated, but with the passage of time, in evils, in बुराइयों को society से दूर किया गया only with education, and these evils were eliminated with the passage of time because of spread of education. These practices were eliminated with the passage of time. तो इसके बाद इन्होंने एक स्पेशल ट्रस्ट बनाया, स्पेशल ट्रस्ट, एक स्पेशल ट्रस्ट इन्होंने बनाया जिसका नाम रखा गया धन देवी, धन देवी मेमोरियल ट्रस्ट, मेमोरियल ट्रस्ट। ओके, ए स्पेशल ट्रस्ट वॉज मेड धन देवी मेमोरियल ट्रस्ट। जो धन देवी मेमोरियल ट्रस्ट था, इसका मकसद था टू प्रोवाइड financial, to provide financial assistance to women, to provide financial assistance to women. That is why this Dan Devi Memorial Trust was made, to prevent child marriage. Child marriage को रोकने के लिए इन्होंने infant, ये भी याद रखे, infant marriage
प्रिवेंटेशन रेगुलेशन एक्ट इन 1928 वाज पासड इन 1928 वाज पासड ओके इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज इन्फेंट मैरिज प्रिवेंटेशन रेगुलेशन एक्ट इन 1920 वाज पासड। इसके बाद एक और एक्ट पास किया गया जिसका नाम रखा गया विडो रिमैरिज एक्ट। तो एक और एक्ट पास किया गया जिसका नाम रखा गया विडो रिमैरिज एक्ट इन 1931 वाज पासड सो दैट दीज विडोज कैन रिमैरी अगेन एंड लिव देयर लाइफ एज पर देयर ओन विल। दिस वाज ऑल अबाउट सोसाइटी इकॉनमी एंड कल्चर अंडर डोगराज। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।